वालेकुम प्रैट थ्री स्टूडेंट। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने माहे मार्च का सबक सफरनामा ज़ेवरत तक पढ़ा था और आज हम माहे मार्च की नज़म जवाब शिकवा पढ़ेंगे। जवाब शिकवा हमारे पास हमने फर्स्ट टर्म में शिकवा पढ़ी थी उसका जवाब है जवाब शिकवा लामा मोहम्मद अकबर की तहरीर रही है और ये सफ़र नंबर 122 का 123 पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर मैंने इसके जवाबी शिकवा के अल्फाज मायने रखे हैं। आप अपने साथ अपना रजिस्टर और अपनी बुक काउस रखेंगे तो ही आपको बेहतर तौर पर तमाम चीज़ें समझ आ सकती हैं। आप इन लफ्ज़ों को भी समझ सकते हैं कि क्या लिखे हुए हैं और किस तरह से ये लिखे हैं। आप सारा काम अपना जो आपकी पहली क्लास हुई थी सफरनामे की उसका भी और ये काम भी अपना कॉपी में हमने कंप्लीट कर लिए ताकि ये आपके लिए भी आसानी रहेगी और हमारे लिए। जवाबी शिकवा अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म शिकवा जो उन्होंने 1911 में हिमायत अंजुमन इस्लाम के इजलास में नज़म पढ़ी थी शिकवा, जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ किए थे क्योंकि कुछ लोगों को ये लगा जो उनके नज़रिए के खिलाफ थे उनको ये लगा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के जज्बात का इजहार करते करते शायद अल्लाह ताला से गिले शिकवे कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमान उस वक्त बड़े समय में मौजूद थे उनके जज्बात की अक्कासी करते हुए नज़म तहरीर की थी। शिकवा एक सवाल था जिसका जवाब इकबाल ने ही देना था तो इकबाल ने फिर तकरीबन 1.5 से 2 साल के वक्त के अंदर ही जवाबी शिकवा नज़म पेश की जो 1913 में बैरूनी मोची दरवाजे के बाहर एक जलसा मुनक़द किया था जिसमें उन्होंने अपनी ये नज़म पढ़ी। जब ये नज़म उन्होंने पढ़ी जलसे में तो लोग जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शिकवा का जवाब सुनकर यानी जवाबी शिकवा सुनकर अशश कर उठे और जब मुसलमानों के उसमें जोश और जज्बे को मुसलमानों को उभारा गया और मौजूदा दौर के मुसलमानों को ये सबक दिया गया कि देखो अगर तुम भी अपने बुजुर्गों के यानी अपने असलाफ के कारनामों को सामने रखते हुए उनकी बातों को सामने रखते हुए तुम अगर आज अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरोगे और ये जो मायूसी का वक्त है इससे निकल आओगे मायूसी कुफ्र है मुसलमान के तो अगर तुम इस वक्त से निकल आओगे तो तुम्हारे लिए ही बेहतर है क्योंकि अल्लाह ताला भी आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसे ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, तो जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हारी हालत बदल नहीं सकती। अब यहाँ पर हमारे पास जो जवाबी शिकवा के अल्फाज मैंने लिखे पहले मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने ये अल्फाज मैंने लिखे खुदसुल असल पाको पाकीज़ा रिफत बुलंदी गर्दू आसमान गर्दू है ये इसके ऊपर गाफ पे जबर है गर्दू आसमान फितना दर फसाद बर्पा करने वाला सरकश नाफरमान नालायक बेपाक बेखौफ फरियाद तब उतार सही कोशिश माफी अदा एहतराम से बेखबर सुबाने जमीन जमीन के रहने वाले उस्ताद बेअदब गम अंगेज गम पैदा करने वाला नारा मस्ताना बेखुद फरियाद माए रागिब तबय आजाद आजाद फितरत जज्ब वहम आपस का इत्तेहाद इत्तेफाक मनफियत मुनाफा फिरकाबंदी गिरोहबंदी पनपना पनपना तरक्की करना मिसले भू कैद मिसाल की वाहिद भू खुशबू कैद कहीं पर कैद हो जाना और खुशबू की मानिंद ऊंचा फूल की कली रक्त बर्दोश सवाने सफर कांधे पर उठाना यानी हर मुश्किल से टकराने के लिए हर वक्त तैयार रहना तब तुर्क माया बेहसियत हकीर दहर दुनिया माँ सिवा साधे बारी ताला के अलावा दूसरे खुदा यानी अल्लाह के अलावा जो दूसरे खुदा हैं उनके लिए माँ सिवा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लौहो कलम खुदा के लिखने की तख्ती और इसके लिखने का कलम यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर तमाम तर दुनिया के इंसानों के लिए उनकी तकदीर उनके फैसले दुनिया के हर चीज़ के हर मखलूक के जहाँ अल्लाह ने फैसले तहरीर किए वो है लौहो कलम। फिर आम आप जवाबी शिकवा के बल नंबर 1 पर आ गए ये बल नंबर 1 है आप भी अपनी बुक्स देख लीजिए दिल से जो बात निकलती है असर रखती है
यानी हमारे अगर दिल से अगर हम कोई बात कहेंगे या हम कोई दुआ करेंगे दिल से, हमारे दिल से कोई भी पुकार अगर निकलेगी वो वाकई असर रखती है, क्योंकि दुखारे की पुकार अर्श पर सुनी जाती है। और किसी दुख में किसी खुशी में आप किसी को दिल से दुआ दें, किसी के लिए दिल से कोई बात कहें, तो वो ना सिर्फ दुनिया में मौजूद लोगों के दिल पर असर करती है बल्कि वो अर्श तक जहाँ पहुँचती है। तो बात भी नजम शिकवा को ही कह रही थी, शिकवा के बारे में यानी शिकवा का जवाब पेश करें कि जो मैंने नजम लिखी थी ये कोई मेरी तरफ से अलग से गिले शिकवे नहीं थे बल्कि मेरे दिल की आवाज़ थी, मेरे दिल की पुकार थी जिसने ना सिर्फ दुनिया वालों को बल्कि अर्श वालों को भी हिला कर रख दिया। दूसरी लाइन लिखी है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है, यानी उसके पास कोई उस बात के लिए उस दुआ के लिए कोई पर नहीं होते, उसके पर का मतलब वसीला, कोई वसीले की जरूरत नहीं होती, सीधी जाकर वो जैसे हम कहते हैं ना हमारे माँ बाप की दुआएं, हमें कोई हमारे बुजुर्ग दिल से दुआएं देते वो कहाँ सुनी जाती, वो अल्लाह के दरबार में सुनी जाती है, अर्श वहीं पर सुनी जाती है। ऐसे ही जो बात जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शिकवा में कही, जो कुछ उनकी पुकार शिकवा में थी वो कहाँ सुनी गई, वो अल्लाह के दरबार में सुनी गई और बगैर किसी वसीले के या फजीले के सुनी गई। फिर खुशियुल असल है रिफत पे नजर रखती है, खुशियुल असल का मतलब है ऐसी पाक वो पाकीजा वो बात होती है, ऐसी खाली सदर वो बात होती है कि उसको किसी वसीले की जरूरत नहीं होती, ना ही उसको फरिश्ते के फरिश्ते लेकर अल्लाह तक आपकी पुकार लेकर जाए, वो खुद बहुत कहाँ पर रिबत यानी बुलंदियों पर नजर रखती है, जमीन से उठती है, हिलकर खाक से उठती है, गर्दों पे गुजरती है, खाक से उठती है जमीन से, जमीन पर रहने वाले ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला तक हमारी बात पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को महफूज फरमाया है, तो सिर्फ फरिश्ते ही हैं जो हमारे पुकार को अल्लाह तक लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी अगर हम कोई बात दिल से कहेंगे, कोई पुकार अगर हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे बोएंगे या अल्लाह के सामने कोई अपनी दिल की बात अगर पेश करेंगे तो अल्लाह हमारी बात सुनता है, अल्लाह तक हमारी बात पहुँचती है। इश्क का फितना करो सर का जो चालाक किया, यहाँ इश्क क्या है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के बंदों से, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत ही थी, ये अल्लाह के बंदों की मोहब्बत थी उनके दिल में कि उन्होंने नजम शिकवा कही कि उनके जज्बात को उनके एहसास को जो कुछ वो सोच रहे थे जो कुछ वो उस वक्त महसूस कर रहे थे उन्होंने अपनी बात को आगे तक पहुँचाया यानी दुनिया तक पहुँचाया। सिर्फ उन्होंने क्या किया कि उन मुसलमानों के जज्बात और एहसास को अपने लफ्जों से यानी लफ्जों के पैराहन में उसको डुबो कर अपने आंसुओं के पैराहन में उसको डुबो कर दुनिया तक पेश किया। फिर है आसमान चीर या नाला है बेबाक मेरा, यानी मेरी जो बेखौफ फरियाद थी मेरी जो बेखौफ कतर फरियाद थी उसने क्या किया आसमान तक को हिलाकर रख दिया यानी अर्श तक को हिलाकर रख दिया। अब देखिए ये मैंने तशरीह लिखने के लिए आपका जो तफ़ीज़ कार है यानी होमवर्क है आपका वो ये है कि आपको सबसे पहले अल्फाज मायने इसके तहरीर कीजिएगा, फिर इसके आप अहम नुकात लिखिएगा। अभी इसके अहम नुकात जो आपने सुने हैं वो आप बल नंबर एक के तहरीर कर लीजिएगा, चाहे आप दो ही तहरीर करें और उसके बाद बल नंबर एक की तशरीह तहरीर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जो आपकी मदद करेंगे किसमें तशरीह तहरीर करने में। नंबर एक लिखा है देखिए दिल से निकलने वाली बात तो दुआ दूर रस असरात की हामिल होती है यानी दूर तक पहुंच जाती है हमारे पर, फिर वसीला ना होने के बावजूद अर्शे बरी मिला देती है, पाक को पाकीजा होने के सबब दिलों की गहराइयों में असर करती है। फिर जमीन पर अदा होने वाली अल्फाज अर्श तक हिला देते हैं, शिकवा मेरा इश्क अपने रब इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदों से गर्द से लहजा तंगो तेज था, यानी तंगो तेज लहजा था उनका सख्ती थी उनके लहजे में, लेकिन जो है फिर भी क्या था मैंने अपनी बात अल्लाह तक पहुँचाई थी, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम व तअज़ीम में कोई कमी नहीं आई थी। एक दुख्यारी सदा ने अर्शे बरी मिलाकर रख दिया, जमीन वालों के साथ अर्श वाले भी इस फरियाद को सुनकर हैरान परेशान हो गए।
स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोग अपना तफ़ीज़े कार साथ साथ मुकम्मल करेंगे ताकि आपके लिए भी आसानी रहे और मेरे लिए भी। थैंक यू।